नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मनाया जाता है। अलग अलग देश अपने राष्ट्रीय खेल दिवस को अपने इतिहास के अनुसार अलग अलग दिनांक पर मनाते हैं, जो उनके देश का खेल समिति घोषित करता है। हमारे देश में यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। सभी आयु वर्ग के लोग खेल में भाग लेते हैं। इस दिन को केवल मनोरंजन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन में खेल की भूमिका के रूप में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का इस दिन जन्म हुआ था और उनकी याद में खेल दिवस को मनाया जाता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। हर साल खेल को बढ़ावा देने के लिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का इसी दिन जन्म हुआ था और उनकी याद में खेल दिवस को मनाया जाता है। ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में भारत का झंडा लहराया था और 3 बार हॉकी में देश को इन खेलों में गोल्ड मेडल जिताया था। स्पोर्ट्स डे के मौके पर देश के राष्ट्रपति द्रोणाचार्य मेजर ध्यानचंद और अर्जुन अवार्ड देकर खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं। राष्ट्रपति भवन में सभी खिलाड़ी और कोचों को पुरस्कार से नवाजा जाता है। ध्यानचंद की अगुवाई में भारतीय टीम हॉकी के खेल में हमेशा टॉप पर रही। ध्यानचंद का कद हॉकी में उतना ही बड़ा माना जाता है जितना क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन और फुटबॉल में पेले का है। ध्यानचंद ने लगातार 3 ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाकर देश का मान बढ़ाया था। ये ओलंपिक साल 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजलिस और 1936 में बर्लिन में खेले गए थे। मेजर ध्यानचंद को साल 1965 में हॉकी को अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के इस महान खिलाड़ी के बारे में कहा जाता था कि वह जब हॉकी स्टिक लेकर मैदान पर उतरते थे तो गेंद उनकी स्टिक में ऐसी चिपकी रहती थी जैसे मानो किसी ने उस पर चुंबक लगा रखा हो। ऐसा ही संदेह होने पर एक बार उनकी स्टिक को तोड़कर जांच भी की गई थी। राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार साल 2012 में मनाया गया था। इसके बाद से हर साल 29 अगस्त को इसे मनाया जाता है। हालांकि इस साल स्पोर्ट्स डे को देर से मनाने का फैसला लिया गया है। दरअसल सरकार चाहती है कि इस बार खिलाड़ियों को मिलने वाला अवार्ड का चयन पैनल टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले पैरा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भी इनमें शामिल करे। इसी वजह से इसको देरी से मनाने का फैसला लिया गया है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि खेल रत्न अवार्ड को अब राजीव गांधी के बजाय मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन इनमें से एक किस्सा काफी चर्चित है जो तानाशाह हिटलर से जुड़ा है। साल 1936 में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी की नागरिकता और अपने देश की सेना में कर्नल बनाने का प्रस्ताव दिया था। मेजर ध्यानचंद ने हिटलर के इस ऑफर को ठुकरा दिया था। उन्होंने हिटलर से कहा था कि उन्होंने भारत का नमक खाया है और वह भारत के लिए ही खेलेंगे। मेजर ध्यानचंद के पिता समेश्वर सिंह भी हॉकी के बेहतरीन प्लेयर थे। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। कहा जाता है बचपन में मेजर ध्यानचंद को हॉकी से कोई लगाव नहीं था। बचपन में ध्यानचंद को कुश्ती खेलना बहुत पसंद था। जब ध्यानचंद सेना में भर्ती हुए तब उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने हॉकी के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवाया। स्पेशल डेस्क प्राइम टीवी।